हालेलुया। जे ब्रदर का नाम बंटी है, जे कोट खालसा के रहने वाले हैं, और जे ब्रदर की गवाही जे है कि आज से 5 दिन पहले जे ब्रदर को जॉन्डिस यानी कि पीलिया की प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिसके कारण इस ब्रदर को भूख भी नहीं लगती थी और बहुत सारी वीकनेस हो चुकी थी। और जे ब्रदर प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे और इस प्रॉब्लम के कारण इनको कोविड कोविड भी हो चुका था और उसके भी जो लक्षण थे वो भी थे। और उसके कारण भी जे ब्रदर ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जी मेरे लिए नहीं है, और प्रार्थना में तो बने थे, पर जैसे ही जे ब्रदर ने प्रभु के दास के साथ बात की तो प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया और इनके लिए प्रार्थना की। तो जो कोविड था, हम उस रिपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट थी हम उस रिपोर्ट को देखते हैं। तो जो इनकी फर्स्ट रिपोर्ट थी पॉजिटिव थी, जिसमें इनकी जो कोरोना थी वो आई थी और जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे। तो जैसे इस ब्रदर ने ऐसे प्रभु के दास बात की और सीखा और उस वचन को लिया और अपने मन में और प्रार्थना में बने रहे, तो कुछ दिन बाद फिर इस ब्रदर ने उस रिपोर्ट्स को कराया। तो इस ब्रदर की जो रिपोर्ट्स हैं वो आज बिल्कुल नेगेटिव नॉर्मल आई है। तो परमेश्वर ने आज इस ब्रदर को इस प्रॉब्लम से टोटली फ्री कर दिया है। सुनो 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 सुनो, देखो सचमुच परमेश्वर महान है। हाँ, मैंने कहा ना, ऐसे ही चाहे कितनी भी महामारी आए, रोग आए, जैसे कानवे जबूर में लिखा है कि क्या करेगा वो महामारी और घातक मारी से, क्या करेगा तुम्हें बचाएगा, क्या करेगा तुम्हें हर एक विपत्तियों से तुम्हें छुड़ाएगा और बचाएगा। समझ आ रही है? और ऐसे ही जो अभी सब जानते हैं कि ये कोरोना की लहर चल रही है, क्या चल रही है, और कुछ दिन पहले इन्हें जॉन्डस मतलब पीलिया हो गया और उसी की वजह के कारण, उस इन्फेक्शन के कारण ये कोविड के लक्षण हो गई। हाँ, कोविड मतलब कोरोना, जो परमेश्वर ने नहीं भेजा, किसकी ओर से, और वही कोविड के कोरोना के लक्षण इसकी बॉडी में हो गए और जिसके कारण इन्हें शरीर में वीकनेस आ गई, भूख लगना बंद हो गया और घबराहट। हाँ, और ये इसकी स्टेज जब बढ़ जाती है तो उसी फिर क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन लगानी पड़ती, क्या करती है। पर परमेश्वर महान है, आ तो गई कोरोना, आ तो गया, पर उसको पूरा होने से पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ, उसकी स्टेज, ताकि उससे पहले इस भाई के जीवन में कुछ वो ज्यादा करे, और परमेश्वर ने उससे पहले क्या कर दिया। हाँ, तो इनसे सुनते हैं कि थोड़ा बताओ आप, क्या है इसकी स्टेज, क्या होती है, कैसे कैसे डॉक्टर ने बताया था। सब तो पहले मैं सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करता और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे को आज से 5 दिन पहले भूख लगना बंद हो गई थी और बेचैनी रहती थी और इतनी घबराहट रहती थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। तो मैं परमेश्वर में रहता था और सत्संग में आता था, और जैसे मैं अपने मन में कुछ डाउट था तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका ब्लड टेस्ट, जो सीआरपी टेस्ट होता है, वो ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें सीआरपी की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू रहती है 2 पॉइंट या 1 पॉइंट के नियर अबाउट रहती है। तो मेरी जो सीआरपी वैल्यू थी 9 थी, तो उसमें जॉन्डिस भी साथ में था, जॉन्डिस 2.9 था। और डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया था कि जैसे आज आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है और आज आप, आज से आप 10-15 दिन अलग से रहोगे, फैमिली के बीच में नहीं रहोगे। तो जैसे ही मेरे को उन्होंने बोला ऐसे, तो मन में घबराहट और बढ़ गई कि मेरे को वायरस का भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो मेरे पास तो फिर एक ही उपाय था कि मेरे पास परमेश्वर की जो वचन थे जिसको मैं जानता था, तो उसी वक्त मैंने प्रभु परमेश्वर जी के दास से फ़ोन पे बात की और इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और ये जस्ट
आज से 5 दिन पहले की बात है, आज कल मैंने रिपोर्ट की आई थी 4th दिन और आज 5वां दिन है, जो कि जॉन्डिस जो होता है, जो पीलिया की बीमारी होती है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती कभी भी, उसको बहुत टाइम लगता है। और मैं निरंतर प्रार्थना में बना रहा, दिन रात परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता रहा और वचन में बना रहा कि ये जो हालात है, कंडीशन है, ये मेरे लिए नहीं बनी, परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं बनाया। तो इसी दृढ़ता से मैंने विश्वास बनाया और जब मैं 4th दिन डॉक्टर के पास फिर दोबारा रिपोर्ट कराने के लिए गया, तभी भी मैं यही प्रार्थना कर रहा था। जो भी जब आपके लिए प्रेयर हुई, प्रेयर होने के बाद अपनी जो टेस्ट करवाया, जो रिपोर्ट करवाई, वो कितने दिन बाद? 14 दिन। नहीं नहीं, जैसे जब आपके लिए प्रेयर हुई, हाँ, अपने अगले दिन के दो दिन बाद दो दिन बाद है ना। हाँ। तो जैसे ही ये अच्छा विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को ये समझते हैं कि ये जो कोई भी हालात है हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे 2000 साल पहले सब बीमारियों को, सब दुखों को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया और ये अच्छे से इस बात को जानते थे, विश्वास करते थे, पर परमेश्वर ने इनके मन में अपनी सुविच्छा को डाला, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो नेक काम के इरादे को पूरा करने का प्रभाव हर एक मनुष्य के अंदर डालता है। और परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि ठीक है, ये मुझसे बात करें और मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, और जैसे ही मेरे मुंह से, शब्दों से जब परमेश्वर ने बोला, और उसी 2 दिन के बाद जॉन्डिस मतलब पीलिया और जो कोरोना जो वायरस की जो स्टेज है, अभी ये बता रहे हैं कि CRP इनका कितना बढ़ चुका था, जिसके कारण इनको घबराहट होती थी, वीकनेस आ गई, भूख नहीं लग रही थी। हाँ, अभी डॉक्टर ने बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना। क्या नहीं रहना? फैमिली के साथ नहीं रहना, क्योंकि जैसे ये चीज हो जाती है तो उससे फिर अलग करते हैं ताकि दूसरों को ना, इसलिए तो जो हमारी देश की सरकार है वो कहती है 3 गज की दूरी बनाकर रखो। क्या बनाकर रखो? 3 गज की दूरी बनाकर रखो। समझ आ रहे हैं? पर सचमुच परमेश्वर महान है। क्या है? परमेश्वर महान है। ये कहीं नहीं, घर पे रहे, थोड़ी सेफ्टी की, और बहुत जल्द, क्योंकि जो जॉन्डिस है पीलिया, इतनी जल्दी कभी नहीं, कम से कम वो 12-13 दिन से पहले, 2 हफ्ते से पहले किसी का पीलिया नहीं जाता, वो भी वो मेडिसन रेगुलर अगर खाए। हाँ, उसके साथ ही वो जॉन्डिस मतलब पीलिया भी गया, और प्लस जिसके कारण जो कोरोना के वायरस अंदर आ चुका था और उसकी CRP इतनी बढ़ चुकी थी, उस चीज से और दोनों से परमेश्वर ने आज पूरी तरह क्या कर दिया? फ्री कर दिया। इसलिए हम जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से।